सो दिस इज़ बायोईज चैनल, ओके? वी विल डिस्कस द नीट यूजी चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वेरी इजी टॉपिक. दिस चैनल इज इंग्लिश, मतलब हिंदी एंड बहुत इंग्लिश विल बी प्रोवाइडेड हेयर, बट टर्म्स विल बी इन इंग्लिश ओनली, ओके? सो देर आर सम इमेजेस, वी विल डिस्कस ओनली इमेजेस रिलेटेड टू दिस चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ओके? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का जो चैप्टर है ये पढ़ेंगे हम, ओके? ठीक है. अब इस चैप्टर के अंदर क्या है कि बहुत सारे इमेजेस दी हुई है, तो हम ओनली इमेजेस और उससे रिलेटेड जो थ्योरी दी हुई है उस पर, उस एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे और उस एस्पेक्ट पे बात करेंगे. तो जो हम क्या इमेजेस डिस्कस करते हैं, तो देखिए बहुत सारी इमेजेस दी हुई है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की, ठीक है. आज तारीख है 5 जुलाई, तो ट्राई टू कवर विथ मी ऑल टॉपिक्स, ताकि जितने भी फिजियोलॉजी एटलीस्ट मैं कवर करवाऊंगा, जितने भी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो फटाफट आपके कवर हो जाए. इमेजेस से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए नीट यूजी के अंदर. बायो से ही रैंक बनती है, अभी ऐसा है क्योंकि बायो यदि गलत होगी तो आपको रैंक, लोग बोलते हैं फिजिक्स से रैंक बनती है, लेकिन हाँ फिजिक्स आपको रैंक के ऊपर लेके जाएगी, लेकिन सिलेक्शन आपका ये है कि पहले बायो आनी चाहिए आपको, आप क्वालिफाई तो हैं पहले. तो उसके लिए सबसे पहले हम इमेजेस स्टार्ट करते हैं. ये इमेजेस दी हुई है सबसे फर्स्ट नंबर पे, ठीक है. आपको जीआईटी के अंदर ये याद होना चाहिए बच्चों कि ऑर्डर क्या है, मतलब पहले कौन सा पार्ट आता है जीआईटी का और लास्ट में कौन सा पार्ट आता है. सिंपल तरीका है कि आप क्या करिए, इसको यहाँ से याद करिए. देखिए देखिए डायग्राम देखिए, ठीक है. डायग्राम देख लीजिए, आप बुक्स को खोल लीजिए सामने अपनी, तो उसमें दिया होगा कि जीआईटी स्टार्ट होता है कहाँ से, ओरल कैविटी से. कहाँ से स्टार्ट होता है जीआईटी, ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, ठीक है. उसके बाद आता है क्या, फेरिंग्स, उसे हम कहेंगे शॉर्ट फेरिंग्स, ठीक है. अब शॉर्ट फेरिंग्स की कहाँ से बात है कि ये कॉमन पैसेज है, किस किस के बीच में, फूड एंड एयर के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है. अब फूड एंड एयर के लिए क्या होता है कि फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ, ठीक है. आगे कंटिन्यू हुआ दो पार्ट में, आइदर इज ईसोफेगस, किसके रूप में, ईसोफेगस, ठीक है, या फिर ये कंटिन्यू हुआ ट्रेकिया के रूप में, सिंपल, ओके. जो ट्रेकिया की जो ओपनिंग है, जो ट्रेकिया की ओपनिंग है उसको हमने क्या नाम दिया, ग्लॉटिस, ठीक है, उसको हमने नाम दिया ग्लॉटिस, ठीक है. और जो ईसोफेगस की ओपनिंग है वो कंटिन्यू होती है किसके रूप में, स्टमक के रूप में, किसके रूप में, स्टमक के रूप में, ठीक है. इंडिविजुअल ऑर्गन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. ईसोफेगस स्टमक के रूप में ओपनिंग होगा, ट्रेकिया ओपनिंग, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन की जरूरत ऑलवेज होती है, बिकॉज वी नीड रेस्पिरेशन ऑलवेज कंटिन्यूअली. तो इसलिए क्या होता है, गॉड ने क्या गिफ्ट किया, ट्रेकिया के अंदर क्या किया, सी शेप की रिंग बना दी, ठीक है. कार्टिलेजनस रिंग, कौन सी रिंग थी, कार्टिलेजनस रिंग थी, ठीक है, ये याद रखना चाहिए, ताकि ये क्या कॉलेप्स नहीं हो. जबकि ईसोफेगस क्या होती है, कॉलेप्सिबल स्ट्रक्चर होती है. जैसे आप खाना खाएंगे, व्हेन यू विल टेक फूड, तो ईसोफेगस क्या करेगा, कंटिन्यू फूड को जब भी आप खाएंगे तभी ओपन होगा. ओपन का मतलब कि तभी वो क्या करेगा, क्योंकि डिस्टेंटेबल होता है, डिस्टेंसिबल होता है, आराम से डिस्टेंड कर जाता है, आराम से क्या कर जाता है, वाइड हो जाता है. जबकि ट्रेकिया वाइड नहीं होती, ट्रेकिया कंटिन्यू होती है. तो जो ट्रेकिया है इसको हमने क्या नाम दिया है, वाइंड पाइप भी नाम दिया है. वाइंड मतलब क्या होती है, एयर, इसलिए हमने क्या नाम दिया है, वाइंड पाइप, एयर पाइप, ठीक है. इट इज ए नॉन कोलेप्सिबल, कैसे स्ट्रक्चर है, नॉन कोलेप्सिबल, ऑलवेज रिमेन ओपन, ठीक है, नॉन कोलेप्सिबल लिख दिया हमने यहाँ पे, ऑलवेज नीड रेस्पिरेशन, ओके. अब बात करते हैं ग्लोटिस, जो इसकी ओपनिंग, इसकी ग्लोटिस हुई और इसको जो क्लोज करेगा उस ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया, एपिग्लोटिस को. भाई जब हम, व्हेन वी विल टेक ईट फूड, जब हम फूड खाएंगे या जो भी हम फूड लेंगे, तो अब क्योंकि ट्रेकिया के अंदर एंट्री होनी चाहिए फूड की, तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, प्रिवेंट, प्रिवेंट फूड एंट्रिंग इनटू ट्रेकिया, ओके, डन. ईसोफेगस, अब क्योंकि जीआईटी पढ़ रहे हैं तो ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट ऑर्गन क्या आएगा, अपना स्टमक, ठीक है. स्टमक के बारे में अपना एक्सप्लेनेशन आगे देंगे आराम से, कि जे शेप है, क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट है. स्टमक के बाद कंटिन्यू हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या बात याद रखनी है, वो फोकस करेगा तीन चीज़ों पे, ठीक है, तीन चीज़ों पर फोकस करेगा, ठीक है. यहाँ पे साइड में दे रहे हैं कि भाई एक तो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम की बनी होती है, देख लेना आप, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है. यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम. ड्यूडिनम क्या होती है, सी शेप है, ठीक है, सिंपल. जेजुनम क्या होती है, लॉन्ग कॉइल्ड है, याद रखना है टर्म, लॉन्ग कॉइल्ड है, ठीक है. और इलियम हाईली कॉइल्ड है,
एनसीईआरटी खास बात है, आपको वर्ड्स पे फोकस करना है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हम बात करें, सीधा कहाँ पे गए हम, लार्ज इंटेस्टाइन पे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इसके बहुत सारे पार्ट है, वही, ठीक है, सीकम, ठीक है, कॉलन, रेक्टम, ठीक है, कॉलन, सीकम, रेक्टम। कॉलन के लिए क्या है कि कॉलम से एक पार्ट निकला रहता है साइड में, अपेंडिक्स, जैसे देखिए आप, दिखा होगा आपको, ये कॉलन वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये सीकम वाला पार्ट, और ये कॉलन है सारी की सारी, ये वाली कॉलन है, ठीक है, ये भी कॉलन है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ सिग्मा कॉलन, और ये रेक्टम है, ठीक है, ये एनस है। तो कॉलन के जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, इसने कहा वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। तो सीकम से एक पार्ट निकला, ठीक है, उसे हमने कहा वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम दिया उसे हमने, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या होता है, एक प्रकार का नैरो फिंगर शेप, कैसा है, नैरो फिंगर, ठीक है, शेप, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, या ट्यूबुलर बोले तो प्रोजेक्शन है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि नैरो फिंगर शेप ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है, ओके। और ये है क्या, अपेंडिक्स है क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन, आपने सुना होगा आपके रिलेटिव को कि अपेंडिसाइटिस हो गया, ठीक है, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो गया, तो एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि हमारे काम में नहीं आता है लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म के काम में आता है, ठीक है। सीकम की खास बात क्या है कि ये क्या रखता है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रखता है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इकोलॉजी से, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलन, कॉलन की वही तीन पार्ट है, कौन कौन से, सबसे पहले वह है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। देखो ये कौन सा कॉलन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रही, तो डिसेंडिंग, गोइंग बिलो टू डिसेंडिंग, सिग्मोइड शेप में यू ऑलमोस्ट, तो सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। सिग्मोइड कॉलन के बाद में कंटिन्यू हुआ ये किसके रूप में, आगे एनस के रूप में, ठीक है, एनस नहीं, रेक्टम, पहले क्या आएगा, रेक्टम, और फिर क्या आएगा, एनस, ओके, ये याद रखना है। तो ओरल कैविटी, शॉर्ट फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन थ्री पार्ट, रेक्टम, एनस, ओके। ये इसके बाद जो सेकंड फोटो आई है वो ये वाली आई है, एक्चुअली इसके अंदर आपको एक तो याद होना चाहिए डेंटल फॉर्मूला, क्या याद होना चाहिए, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है कि यदि हम माउथ को चार पार्ट में डिवाइड करें, डेंटल फॉर्मूला डिपेंड्स एंड इस वन साइड आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड का अप एंड डाउन का, अप वाला पार्ट एंड डाउन वाला पार्ट। यदि फॉर्मूला कह रहा है कि क्या है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, तो मतलब ये राइट पार्ट को डिनोट कर रहा है, आप कहें तो लेफ्ट पार्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो राइट के ऊपर में कितने पार्ट हुए, कितने टोटल, 3 2 5 6 7 8, 8 पार्ट अबोव 8 नीचे, ठीक है। और क्योंकि वन साइड का शो कर रहा है तो अपोजिट साइड का कितना हुआ, 8 × 8 प्लस कर लो टोटल को, 8 अपर 8 डाउन 8 अप 8 डाउन, टोटल कितने हो गए, 32 फॉर्मूला टीथ को शो कर रहा है, ओके। इसके अंदर याद रखना है कि जब भी फॉर्मूला लिखना है तो आपको पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर, चार पार्ट में बांटना है, ओके। और सेम टू सेम विथ बिलो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, चार टाइप ऑफ जो दिए हुए हैं यहाँ पे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ओके ओके। कैनाइन का ऐसे याद रख सकते हो आप, कैनाइन मीन कट, तो ये किसमें होते हैं, कट करने में किसमें फायदा, किसमें फायदा देंगे ये, किसके अंदर, जो कार्निवोरस एनिमल्स में, ठीक है, कार्निवोरस, C4 कट, C4 कार्निवोरस, ओके। तो जो टीथ की इंपॉर्टेंट बात है वो जो तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है आप लोगों की बच्चों, वो क्या कहती है कि टीथ जो ह्यूमन के अंदर होते हैं थ्री टाइप के हैं, थ्री टाइप बोले तो, टाइप बोले मतलब किस प्रकार से, ए बोला उसने थीकोडोंट, ठीक है, थीकोडोंट, थीकोडोंट किस बेस पे बोला गया है कि टूथ क्या होते हैं, टूथ इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, एक जॉ बोन के सॉकेट में होते हैं, ठीक है। कई एनिमल में क्या होते हैं टीथ, जैसे ये जो ये क्या है सॉकेट है ये, तो टीथ कैसे हैं अपने सॉकेट के अंदर है यूं, कई जो कई एनिमल में क्या होते हैं, ऐसे क्रोकोडाइल के अंदर ही क्या होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं यूं बस, ये क्या होते हैं इजिली ब्रेक होंगे, इजिली ग्रो कर लेंगे, ठीक है। जबकि ह्यूमन के अंदर टीथ क्या होते हैं, इन्हें सॉकेट ऑफ जॉ के अंदर होते हैं, ठीक है, ठीक हो। दूसरा हमने याद किया डाई, डाई फायोडोन, डाई मतलब क्या हो गया, टू, टू टाइप के कौन कौन से हो गए, टू सेट ऑफ टीथ, ये याद होनी चाहिए डेफिनेशन कि किस बेस पे बोला है, टू सेट ऑफ टीथ, टू सेट ऑफ टीथ कौन कौन से ह्यूमन के अंदर, पर एक तो क्या हो गया टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी, या फिर जिसके जिसे कहा हमने डेसीड्यूअस, ठीक है, डेसीड्यूअस टीथ, ओके। और दूसरा हुआ हमारे हिसाब से परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ। तीसरा टाइप जो बोला है एनसीईआरटी ने कि ह्यूमन के टीथ क्या होता है, हिट्रो, हिट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के, ऑल टीथ आर नॉट सेम, ठीक
ठीक है, मतलब ऑल टीथ आर नॉट सेम बोले तो कि चार टाइप के हो गए, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलार है, और सबका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इन्होंने बोला कि कितने टाइप के, फोर टाइप ऑफ टीथ विद डिफरेंट फंक्शन। ओके, ये याद होना चाहिए एनसीईआरटी की लाइन की, फोर टाइप ऑफ टीथ है विद डिफरेंट फंक्शन। ओके, अब टीथ के सरफेस के ऊपर क्या याद होती है, टीथ के इन सरफेस के ऊपर ये जो है देखो, ये सॉकेट है सारे के सारे, ठीक है सॉकेट, ठीक है। इन टीथ के सरफेस के ऊपर क्या होती है, लेयर होती है स्पेशल, ठीक है। लेयर का क्या नाम दिया है हमने, इनेमल, क्या नाम दिया है इनको, इनेमल, इनेमल, ठीक है। ये फोटो टीथ के सरफेस के ऊपर एक लेयर है, इसे हमने कहा इनेमल, ठीक है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे टंग थोड़ी सी, तो ये टंग है, इमेजिन करो आपकी, ठीक है, जो भी टंग है, ठीक है। टंग क्या होती है, नीचे एक स्ट्रक्चर से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, आप देखेंगे आपके मुंह को ओपन करके, माउथ को, ठीक है, फ्रेनुलम, और टंग के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारी टेस्ट बड होती है, ठीक है, जिसे हमने कहा पेपिला, ठीक है। पेपिला क्या रखती है, टेस्ट बड होती है, जो कि क्या करती है, आपको बताती है कि आप कौन सा टेस्ट खा रहे हैं। ओके, टू डन, फटाफट, बहुत इजी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। थर्ड आया आपके स्टमक पड़ा हुआ है शायद थर्ड नंबर पे आपको, ठीक है, जो कि मेरे इसमें ये रहा। ओके, स्टमक की खास बात है कुछ नहीं है, याद रखना है यहाँ पे कि स्टमक कौन सा शेप ऑर्गन है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जी शेप ऑर्गन है, ठीक है। चार पार्ट में बांटा हुआ है, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरी, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ईसोफेगस और फंगस के बीच में एक स्फिंक्टर है, ठीक है, नाम से याद हो जाएगा, कौन सा क्या नाम हुआ, ईसोफेजियो स्टमक। तो अब स्टमक को क्या पार्ट कहते हैं, यहाँ पे गैस्ट्रिक पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम दिया, अब ईसोफेजियो गैस्ट्रियल पार्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो उन्होंने क्या थोड़ा चेंज किया और गैस्ट्रिक पार्ट को आगे लिया, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल, क्या नाम दिया, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर होता है कि जो कंट्रोल करता है मूवमेंट को, ठीक है। और देखा जाए तो ये स्फिंक्टर ओरिजिनल नहीं है, ये ओनली फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर का मतलब वो स्फिंक्टर जो कि ओनली काम करता है बिना किसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होते हुए, ठीक है, यहाँ पे कोई एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा स्फिंक्टर है जो कि एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम कहेंगे पाइलोरी स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरी। इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं ड्यूडिनो गैस्ट्रो, ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा था गैस्ट्रो ड्यूडिनो स्फिंक्टर, ठीक है। लेकिन इसका एक बिल्कुल भी उन्होंने क्या है फैंसी नाम दिया है, फैंसी नाम क्या है, पाइलोरी स्फिंक्टर, ठीक है, डन, सिंपल रिमेम्बर। ओके, कार्डिक, फंडस, बॉडी, ठीक है, कार्डिक पार्ट है, फंडस पार्ट है, बॉडी पार्ट है, पाइलोरी। कार्डिक पार्ट को इम्पोर्टेंट की जहाँ पे इसोफेगस क्या होती है, ओपन होती है, इसोफेगस ओपन होती है कार्डिक वाले पार्ट पे, ठीक है, डन। सेंट्रल लीजन, बॉडी कौन सा पार्ट है इसका, मेन पार्ट है, सेंट्रल लीजन है बॉडी, ठीक है, ये वाला बॉडी क्या है, सेंट्रल पार्ट है इसका जो दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, मेन पार्ट है सेंट्रल, या फिर जिसे कहा हमने मेन पार्ट है। ओके, इसके बाद है ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ग्लैंड्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो मिस हो रहा है वो, जैसे यदि आप बनाएंगे, यदि हम थोड़ा इनको ऊपर लेके जाएं इन वाली चीजों को यूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गन है वो कौन सा आएगा, लिवर। ओके, ये ओके डन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की लीवर क्या होती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखते जाइए आप, सबसे इंपॉर्टेंट लिखना नहीं है, देख लेना आप से, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। ओके, 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है ये। ओके, और टू पार्ट में बटा हुआ है, जैसे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, एक स्ट्रक्चर होती है मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या कहा है डायफ्राम, है ना, जो कि किसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ओके, जो पढ़ा होगा आपने, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है रेस्पिरेशन। उसके जस्ट बिलो क्या होता है, कौन सा होता है, लिवर, और कौन सी साइड होगा, राइट साइड होगा, ठीक है, स्टमक के। इसे दो पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है, टू लोब से, वन लोब, ठीक है, और ये सेकेंड लोब, ठीक है, सेकेंड लोब हो गया। ओके, जो इम्पोर्टेंट है, जब लिवर की हमने स्टो देखी है, इसको जूम किया है, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो इस पूरे पार्ट को क्या हुआ है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर में बांटा हुआ है, और उस स्मॉल स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हमने, हिपेटिक लोब्यूल, क्या नाम दिया, हिपेटिक लोब्यूल। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिपेटिक लोब्यूल क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब यही क्या है इंपॉर्टेंट हमारी स्ट्रक्चर को लिए, ठीक है, और यही फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। एक्चुअली हिपेटिक लोबुल क्या रखती है, इट कंटेन, क्या कंटेन करती है, हिपेटिक सेल्स, क्या रखती है, हिपेटिक सेल, जो कि सारे के सारे फंक्शन करेंगे। और ये हिपेटिक सेल कैसे रहेगी, अरेंज इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, अरेंज इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स के रूप में अरेंज रहेगी, याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे हिपेटिक ग्लोब्यूल है, इनके अराउंड क्या हो जाएगा, कैप्सूल होगा, क्या होगा,
एक कैप्सूल होगा, ठीक है, और ऐसा आएगा जब आप हाई क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाएंगे तो ऐसा हेक्सागोनल कैप्सूल होगा। इस कैप्सूल को नाम दिया उन्होंने ग्लीसन कैप्सूल। क्या नाम दिया है? ग्लीसन कैप्सूल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और दूसरा ऑर्गन है, ठीक है, पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज देखो, पेनक्रियाज क्या होता है, जो ड्यूडिनम है सी शेप उसके यहाँ पे रहेगा बीच में, ठीक है, जो ड्यूडिनम है सी शेप उसके बीच में रहेगा यूं, ठीक है, ओके। इसके दो पार्ट होते हैं, वही एंडो पार्ट, ठीक है, पेनक्रियाज का एक्सो पार्ट, एंडो पार्ट और एक्सो पार्ट। अब देखो एक्सो पार्ट क्या होता है, ये क्या करता है, एल्केलाइन, एल्केलाइन याद रखना है, एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस को क्या करता है, बाहर करता है, क्या करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है, जो कि किसमें है, एंजाइमेटिक होता है, ठीक है। और एक्सोक्राइन क्या, एंडोक्राइन, नो 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 थोड़ा रॉन्ग हो गया, एंडोक्राइन पार्ट क्या हो, एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो कि क्या करता है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है मतलब जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, ओके, वो क्या होता है, एल्केलाइन या पेनक्रियास करता है। जो एंडोक्राइन पार्ट है ये क्या करता है, हॉर्मोन को करता है, ठीक है, हॉर्मोन, ओके। हॉर्मोन कौन सा, दो हॉर्मोन जो इंपॉर्टेंट है आपको याद होने चाहिए, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ओके। एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक हो रही है बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम ऑल्सो, बट आई थिंक कि एरर कुछ भी नहीं होगा, ओके, इन दी एंड आपको सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर के लिए हमने ये वाला पेज जो लिया था, इसको हेल्प लेते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट पेज को। अब देखो इसके अंदर ये है कि स्ट्रक्चर हमें याद होनी चाहिए, ऐसे देखो दो, कौन सी, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट क्या है, हिपेटिक डक्ट, ठीक है, बिल्कुल ढंग से याद, बिल्कुल ईजी है याद करना, हिपेटिक, क्योंकि लीवर से निकल रही है, लीवर से एग्जिट कर रही है, तो हिपेटिक डक्ट। यहाँ पे क्या है अपना, एक सिस्टिक, ठीक है, सिस्टिक मतलब क्या बोलते हैं जिसे हम, गॉल ब्लैडर, ठीक, तो गॉल ब्लैडर को काम नाम दिया है, सिस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या नाम दिया है अपने, सिस्टिक डक्ट हुआ, ठीक है, सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मैच हुए, ठीक है, सिस्टिक डक्ट मैच हुई इधर से गॉल ब्लैडर की डक्ट मैच हुई, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ मतलब सिस्टिक डक्ट मैच हुई, गॉल ब्लैडर, ये दोनों मिल गए, ठीक है, इन्होंने दो कॉमन हो गई है दोनों की, इन्होंने क्या नाम दिया, कॉमन हिपेटिक डक्ट। जैसे ही सिस्टिक डक्ट मिली तो इसको हमने नाम दे दिया कॉमन, क्योंकि लीवर क्या बना रहा है, बाइल, एक्चुअली ये क्या करता है, बाइल को कंसंट्रेट करता है, ठीक है, तो बाइल क्या होगा, इसलिए हमने यहाँ नाम दिया उसे फाइनली जाके कि कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के साथ एक चीज जुड़ेगी, क्या, पेनक्रियास की डक्ट, कौन सी डक्ट जुड़ेगी, पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, और जब ये दोनों ओपन होंगे एक साथ में, जब ये और पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होंगे एक जगह पर, ड्यूडेनम, कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर ये, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, इमेजिन करो, ठीक है, ये यहाँ पे जो इसको गार्ड करेगा, जो गार्ड करेगा इंस्पेक्टर, ठीक है, उस इंस्पेक्टर का क्या फैंसी नाम दिया हुआ है इन्होंने, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, क्या नाम दिया हुआ है, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, डन, ये वाला पार्ट, ओके। अब जो नेक्स्ट इमेजेज है, जो 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 दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज जो समझ में नहीं आती, वो पहले हम ये बेसिक देखते हैं, ठीक है, चार पार्ट है बिल्कुल, देखो सीरोसा, ठीक है, मस्कुलेरिस, ठीक है, सब म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा, तो आउटर टू इनर जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, आउटर से हम कहाँ जा रहे हैं, इनर की तरफ, ठीक है, दो पार्ट ऊपर दो पार्ट नीचे पढ़ाता हूँ मैं आपको, सीरोसा, ठीक है, सीरोसा क्या है, आउटर मोस्ट है, आपको पता है, ठीक है, ओके, दिस इज द कंटेंट, थिन मेम्ब्रेन, ओके, एंड ये क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन होती क्या है, ये एपिथीलियम ऑफ क्या होती है, विसरल ऑर्गन होती है, इट इज एपिथीलियम ऑफ विसल ऑर्गन, ठीक है, और क्या रखती है साथ में, कनेक्टिव टिश्यू रखती है। इसके बाद आर पार्ट है मस्कुलरिस पार्ट, मस्कुलरिस पार्ट को याद करने का तरीका है, याद नहीं पहले आप समझ लीजिए, है क्या, ये स्मूथ मसल है, ठीक है, स्मूथ मसल का मतलब है कि वो मसल जो आपके कोऑर्डिनेशन में नहीं है, लेकिन बॉडी के जो ब्रेन है वो उसको कोऑर्डिनेट कर सकता है, ओके, अपने तरीके से, स्मूथ मसल लोकली भी क्या होती है, कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है कि दो टाइप की मसल होगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, तो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है, अब आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूड में ओ आ रहा है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, ठीक है, याद करने का बिल्कुल, जो सेकेंड लेटर है इसका वो क्या है, आई, लॉन्गिट्यूडनल का सेकेंड लेटर है ओ, ठीक है, सिंपल, या फिर आप याद कर सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल आउटर एंड सर्कुलर इनर, ठीक है, सिंपल। कुछ कुछ पार्ट में ये क्या होती है, ऑब्लिक क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है, ऑब्लिक क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है इन सम पार्ट ऑफ जीआईटी, ठीक है, सम पार्ट ऑफ जीआईटी ऑब्लिक लेयर इज आल्सो प्रेजेंट, ओके, बिकॉज इट नॉट जनरलाइज, तो यहाँ पे जनरलाइज तरीके से नहीं कहा इन्होंने, ठीक है,
अब बात करते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी नर्व होती है, जो भी ब्लड होती है, जो ब्लड फ्लो होता है, जो लिम्फ है, वो सब कहाँ है, यहाँ पे प्रेजेंट है सब म्यूकोसा के अंदर। और यहाँ पे क्या होती है, ड्यूडिनम, यहाँ पे क्या होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ड्यूडिनम के अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, जो ड्यूडिनम वाले पार्ट होता है, उसमें सब म्यूकोसा क्या हुआ, मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है, ग्लैंड होती है वहाँ की सब म्यूकोसा है। ठीक है, कंप्लीट नहीं, कुछ कुछ पार्ट के अंदर। ठीक है, और सबसे इनर मोस्ट क्या लिया इन्होंने, म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद सीधा ल्यूमेन आएगी। तो म्यूकोसा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद होनी चाहिए, इट इज द इनर मोस्ट। ओके, ये क्या होते हैं, इरेगुलर फोल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कई जगह क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। ओके, ये ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड जैसे स्टमक के अंदर, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे बोला हमने कि स्टमक के अंदर कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन आपने पढ़ा होगा, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। ये कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। ठीक है, ये सारा। अब यदि हम देखा जाए जो स्ट्रक्चर है मेन, ये वाली, ओके, ये तो जैसे विलाई लेक्टा है, तो यहाँ यहाँ पे क्या होते हैं, विलाई होते हैं। देखो सबसे पहले विलाई, फिर क्या है इसके उपाद, देखो आप देखिए स्ट्रक्चर वहाँ पे लेक्टियल, फोटो देखिए आप अपनी बुक के अंदर, लेक्टियल दिया हुआ है। ठीक है, कैपिलरीज दी हुई है थर्ड नंबर पे। ठीक है, कैपिलरीज दी हुई है, आर्टरी दी हुई है। ठीक है, क्रेब्स दी हुई है, वेन दी हुई है। ठीक है, आर्टरी और वेन का तो फंक्शन आपको पता है। ठीक है, सिंपल। देखो विलाई की बात करें, जैसे ये विलाई है आपका, ठीक है, विलाई के ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं ये। ठीक है, प्रोजेक्शनों को हमने क्या नाम दिया है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया, विलाई। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी रोड से जा रहे हैं जो स्ट्रेट है, ठीक है, और एक आप ऐसी रोड से जा रहे हैं जो इतनी ज्यादा मॉडिफाइड है। ठीक है, देखिए ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, इट विल टेक मोर टाइम। सेम कंसेप्ट फूड के साथ, आपको बॉडी ये चाहती है कि फूड को ज्यादा टाइम लगे स्टमक के अंदर। कहाँ पे, स्टमक नहीं, जीआईटी, जीआईटी के अंदर बोले तो ड्यूडिनम के अंदर, जेजुनम के अंदर, इलियम के अंदर। ठीक है, ताकि फूड ज्यादा एब्जॉर्ब हो, ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा स्टे, ज्यादा वहां रहेगा, स्टे करेगा तो ज्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि विलाई है, विलाई के बीच बीच में क्या होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, जैसे लेक्टियल होती है और कैपिलरीज होती है। ठीक, कैपिलरीज आर्टरी बनाती कोई है कंटिन्यू। लेक्टियल इसलिए है क्योंकि ये क्या करती है, फैट को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, क्या करती है, फैट एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फैट ब्लड के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि वाटर एंड फैट क्या होती है, एक दूसरे से बनती नहीं है। ठीक है, लेक्टियल बिल्कुल स्लो स्लगिश फ्लो होता है। ठीक है, ये ठीक है, अल्टीमेटली ये भी हो जाएगा थोड़ा चेंज होके। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी उस फैट के ग्लोबुल के आसपास, ताकि क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल नहीं तो वाटर के लिए कंपेटेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, डन है ना, ओके डन। सरफेस एरिया तो एक्चुअली इंक्रीज क्या कर रहा है, ये विलाई माइक्रो विलाई क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, जो आपकी लाइन लिखी हुई है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। आई होप कोई भी डाउट हो तो आप मेरी मेल आईडी पे भेज सकते हैं, मैं नीचे दूंगा, और सारा का सारा ये बहुत इजी रहेगा, नेक्स्ट टाइम हम फटाफट पढ़ेंगे। आई विल ट्राई टू कंपाइल थिंग्स। ठीक है, और बुक लेके पढ़ना है आपको साथ में। ठीक है, तो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।